नमस्कार, वेलकम टू मॉम्स किचन। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं अंडा करी। इसके लिए हमको जिस साधनों की ज़रूरत है वो है टुकड़ों में कटे हुए आलू, दो बड़े टमाटर, सरसों तेल, जो ड्राई पाउडर है उसमें हल्दी, मिर्ची, नमक, जीरा पाउडर और दो तेज पत्ते। इसके अलावा प्याज जो मैंने ऐसे पतले में काट लिया है, जिंजर पेस्ट और गार्लिक पेस्ट और आपके अंडे है? उबले हुए अंडे हैं ये जो मैंने उबाल लिए हैं। अब शुरू करते हैं अंडा करी। इसके लिए सबसे पहले गैस जला लें। कढ़ाई को अच्छे से गर्म होने दें। इसमें ऐड करें सरसों का तेल करीब 3 से 4 टेबलस्पून। जब तक तेल गर्म हो रहा है आप सारे अंडों को ऐसे चीरा लगा लें और तो फिर इसको आप तेल में अच्छे से फ्राई कर लें। अंडे फ्राई हो चुके, अब ये फ्राई अंडे को निकाल लीजिए। जैसे टुकड़े में आलू हम लोगों ने काट के रखा था इन आलू को डाल देंगे और थोड़ा सा हल्का है इनको भी भून लेंगे। आलू जो है वो हल्का सा भुना गया है। अब इसमें हम लोग डाल देंगे प्याज। और प्याज को इन आलू के साथ ही थोड़ा भून लेंगे। प्याज को तब तक भुनेंगे जब तक ये प्याज नरम नहीं पड़ जाते, थोड़ा तो अच्छे से फ्राई नहीं हो जाता। तो प्याज अच्छे से ब्राउन हो गए हैं ना, और किसी स्टेज पे आप लहसुन का पेस्ट और अदरक का पेस्ट ऐड कर दें। अदरक लहसुन को थोड़ा सा भूनिएगा ताकि उनका जो कच्चापन है वो चले जाए। जैसे ये कच्चापन चले जाएगा उसके बाद हम लोग जो ड्राई मसाले रखे थे वो इसमें ऐड करेंगे। अच्छे से देखिए बना गया है। अब इसमें जितने भी आपके ड्राई मसाले थे वो सारे आप इसमें ऐड कर दें। साथ ही साथ हल्का सा आप इससे पानी भी यूज करें ताकि जो आपके मसाले हैं वो जलेंगे। जो टमाटर हमने वो लिया था ना वो टमाटर का मैंने ऐसे प्यूरी बना लिया है और ये टमाटर प्यूरी इसमें ऐड कर देंगे। दो बड़े टमाटर हैं। तो इसको अच्छे से पकाएंगे जब तक ये अच्छे से कुक नहीं हो जाता, तेल नहीं छोड़ देता। मसाले कितने अच्छे से फ्राई होंगे आपको दिख रहा है। इसी स्टेज पे एक सीक्रेट चीज बताती हूँ आपको। इसी स्टेज पे ना आप एक चुटकी भर आप बस कसूरी मेथी ऐड करें। इसमें आपका अंडा करी का जो स्वाद है वो बहुत अच्छा आएगा। 2 मिनट इसको भून लें और फिर इसमें हल्का सा पानी ऐड करें जितनी कि आपको ग्रेवी चाहिए। हो गए हैं। अब इसमें हम लोग
पानी ऐड करेंगे। पानी आप उतना ही ऐड करें जितने की आपकी रिक्वायरमेंट है। बाकी मसाले आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तीखा अगर कम चाहिए तो मिर्ची कम डालिए और इसको उबलने दीजिए। जैसे ही उबाल आ जाएगा हम लोग इसमें जो फ्राई किए हुए अंडे थे वो ऐड कर लेंगे। देखिए अब उबाल आ गया है ना, अब इस स्टेज पे आप सारे अंडे इसमें ऐड कर दें। बिल्कुल हल्के हाथों से इसको मिला लें। थोड़ी देर के लिए आप इसको पका लें और लास्ट में उतारने से पहले आप चाहें तो ऐसे ही परोस सकते हैं, आप चाहें तो उतारने से पहले आप थोड़ा सा इसमें गरम मसाला ऐड कर लें। अब इसमें आप उतारने से पहले चाहें तो इसमें एक चुटकी गरम मसाला डालें और गर्मा गर्म इसको सर्व करें। अंडे को आप निकाल के प्लेटिंग कर लें और इसको गर्मा गर्म सर्व करें। लीजिए आपका अंडा करी बिल्कुल बन के तैयार है। आप अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स फैमिली सबके साथ शेयर करें। जो नए मेंबर्स हैं वो सारे के सारे इसको सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबा लें ताकि आगे के वीडियोस आपको मिलते रहें। थैंक यू।